एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और गौवंशों के लिए हर माह गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक ऐसा ही मामला है जो यूपी के उन्नाव में सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत ख्वाजगीपुर गांव में शासन से गौशाला बनवाया गया। जब इसके रियलिटी ग्राउंड जीरो पर चेक किया हमारे संवाददाता विनोद ने, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ठंड से बचाव के लिए गौशाला में गौवंशों को अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ हवा हवाई गौवंश तड़प तड़प कर आए दिन दम तोड़ रहे हैं। जब पूरे मामले की जानकारी की सरोसी वीडियो ने, तो उन्होंने बताया कि तत्काल मामले की जांच करवा कर कार्यवाही करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का दावा है कि गौशाले के नाम पे हर माह करोड़ों रुपए खर्चा तो किए जा रहे हैं और योगी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। 30 रुपए से बढ़ाकर गौवंशों को हर दिन के लिए 50 रुपया कर दिए गए, लेकिन कहीं न कहीं जिले के आला अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का लाखों रुपए का जमकर बंदरबांट किया जाता है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे पहुंचे हैं उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत ख्वाजगीपुर के गाँव में शासन से अस्थायी गौशाला बनाया गया था। इस गौशाले की हम तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इस गौशाले की हालत कैसी, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए। ना तो गायों को बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई है, ना तो ठंड से बचाव के लिए उनके लिए कोई झूल की व्यवस्था की गई है, ना तो ठंड से बचाव के लिए अलाव की कोई व्यवस्था की गई है। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए, छोटा सा टीन सेट तो बनाया गया है, लेकिन गायों के बचने के लिए और नीचे बैठने के लिए किसी भी प्रकार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ये चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, देखिए चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा। जिले के आला अधिकारी अपना दावा तो करते हैं, लेकिन उनके दावे कहीं न कहीं पूरी तरीके से शासन को झुठलाते हुए नजर आते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए इस गौशाले की हालत कैसे, इस पूरे गौशाले के अंदर गंदगी गंदगी ही नजर आ रही है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहे हैं। वही जिले के आला अधिकारी यहाँ से रिपोर्ट शासन को भेज देते हैं। अब देखने वाली तो ये बात होगी, क्या जिले के आला अधिकारी इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं, दावों को खुलेआम जिले के आला अधिकारी पलीता लगाते हुए न... किस गांव में रहते हो? भगा खेड़ा। अच्छा, ये किस गांव का गौशाला है? भगा खेड़ा। ग्राम पंचायत कौन सी? ख्वाजगीपुर। ख्वाजगीपुर है। इस गौशाला में कितने जानवर हैं? समथिंग। क्या लगता है इसमें गायों के लिए क्या व्यवस्था है? भूसा चारा आता है, भरपेट मिलता है? तो कम है जगह है, जगह कम है, जगह कम है, सेटाउ बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो ठंड में गाय मर भी रही? ठंड में तो खत्म हो ही गई। कितनी मरी पड़ी गौशाले के अंदर? एक मरी। अच्छा, अलाव की व्यवस्था क्या है? लकड़ी उकड़ी को जड़ावा करती? मुझे जगह नहीं तो जड़ावा तो करी करी। सब ठंड में वहाँ जड़ा रही। मंत्री आवत के हैं वो? तुम आवत हैं? कब कब? हफ्ता 15 दिन में आ जाते हैं। डेली आवत नहीं? डेली नहीं। डॉक्टर ऐसे आवत? हफ्ता 15 दिन में।